फ्रेंड्स हाई वेलकम। देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की राइट ना, आप लोगों के लिए क्या है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे पक्की एनर्जीज है। द मून बैलेंस सिक्स ऑफ स्वोर्ड्स बॉटम पे है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी राइटर जो आपके पार्टनर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस में करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव सिचुएशन से निकल के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे किसी नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करके ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मे बी अभी राइट नो किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सिचुएशन में है, या इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है। तो इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के काश उसके पास जा पाऊँ, इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। अंदर अंदर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी सिचुएशन से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको। सिक्स, ट्रिपल सिक्स की एनर्जी, आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। यस, अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस में लाना चाहते हैं, यहाँ पे आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि वो अभी राइट नाउ जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे खुश नहीं है। ठीक है, तो वो उससे उधर से भाग के आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं लेकिन ये फिर भी आपको चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और कंफ्यूज भी हैं, आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। एक सेकंड में कार्ड ऊपर कर दूं, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा आप लोगों को। यस, देखिए फोर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है सबकी अपनी एडिक्शन या अपना पुराना जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, उसको छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और लेकिन ये है कि बार बार स्ट्रक हो जाते हैं क्योंकि इनके पास चॉइसेस बहुत सारी आ जाती हैं। एक बार मैं सेवन ऑफ कप्स की क्लैरिटी ले लेती हूँ, क्यों आया है ये रिन्यूअल। ओके, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए, सारे ऑप्शंस को छोड़ के साइड पे रख के आपके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और मे भी आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और डिवाइन से, परमात्मा से भी माफ़ी मांग रहे हैं अगर इन्होंने आपको जाने अनजाने हर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है सब कुछ छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं, और ये डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए कि आपके साथ एक हो गए हैं। मे भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें कि आप और वो एक हो गए हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर हो गई, और आप लोग हार्मनी में आ चुके हो, ऐसे इनके थॉट्स चल रहे हैं राइट नाउ। देख लेते हैं कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। व्हील नाइट ऑफ कप्स बॉटम पे है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करिए डिवाइन। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, हाँ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और ये डिवाइन का ही खेल है, डिवाइन इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ मैसेज करेंगे कुछ ना कुछ, ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ डिवाइन का एक मैसेज है कि ये जब आपकी तरफ आए तो आपने सब कुछ ही नहीं दे देना, आपने थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे वो आपको देंगे उसी तरह से आपने उसको देना है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि उन्होंने आपको हल्का सा बोला कि
आ जा मेरे पास एंड आप भागते हुए चले गए, नहीं, आपने बैठ के ऑब्जर्व करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, एकदम ही उन पर निछावर नहीं कर देनी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको कहना चाहता है, ये आएंगे आपकी तरफ, आपसे बातचीत करेंगे एंड ये पुश डिवाइन का ही होगा। तो क्लेम दिस एनर्जी फॉर दिस ब्यूटिफुल रीयूनियन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।